वेलकम बैक, पेश है एक और नई कहानी। 13 नंबर सुनते ही कई लोगों की भवें सिकुड़ जाती हैं, कुछ लोग खौफजदा भी हो जाते हैं। कई इमारतों में तो 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं होता है, जैसे कि देश का प्रतिष्ठित मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, इसमें 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं है। लेकिन प्रणब मुखर्जी के लिए यही नंबर बेहद लकी रहा। इससे इत्तेफाक कहें या अंक गणित का खेल, प्रणब मुखर्जी की जिंदगी में 13 नंबर हमेशा लकी साबित हुआ। प्रणब मुखर्जी की शादी 13 जुलाई 1957 को हुई थी। वो नई दिल्ली के ताल कटोरा रोड में 13 नंबर के बंगले में रहते थे। उनके कद और हैसियत के हिसाब से कई बार किसी बड़े बंगले में शिफ्ट होने का ऑप्शन उनके पास आया, लेकिन वो इसी 13 नंबर के बंगले में रहते रहे। और अब सुनिए बड़े संयोग की बात, 2012 में जब उनका नाम राष्ट्रपति चुनाव के लिए आगे आया तो वो तारीख भी 13 जून की ही थी। 13 जून को ममता बनर्जी ने पहली बार प्रणब मुखर्जी का नाम राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आगे बढ़ाया, पर बाद में वो मुलायम के साथ मिलकर सियासी दांवपेच करने लगी। लेकिन कांग्रेस ने वक्त रहते मोर्चा संभाला और प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति बन गए। प्रणब दा से जुड़ी स्पेशल स्टोरीज में अगली कहानी में हम आपको बताएंगे राष्ट्रपति भवन का ठाठ देखने के लिए प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रपति भवन की बग्घी का घोड़ा बनना चाहते थे। इसी बग्घी के घोड़े वाली बात पर उनकी बहन ने भविष्यवाणी कर दी जो सच साबित हो गई। हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करिए, अब नहीं तो कब करेंगे। आपके इस पसंदीदा चैनल ने 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज अभी तक हासिल कर लिए है, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए और इस कहानी को हर किसी के साथ शेयर कीजिए। ऐसा करने से हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आपके लिए नई नई दिलचस्प कहानियां लेकर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद।